नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बलिया पहुंचे शिवपाल ने भाजपा के खिलाफ दिया बड़ा बयान, बोले राम और कृष्ण को आदर्श मानने वाले अब सपा लगाएगी लंका में आग। बलिया पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमने योगी सरकार को कभी अच्छी सरकार नहीं कहा, विधानसभा में सुझाव दिया था कि नौकरशाही आपके कब्जे में नहीं है बल्कि भ्रष्टाचार तहसील से लेकर थानों तक में है। हम लोग भगवान राम और कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले हैं, हम मोमबत्ती लेकर नहीं चलेंगे। समाजवादी पार्टी एक साथ होकर निकलेगी तो लंका फिर से जल जाएगी। वहीं शिवपाल यादव ने लंका क्यों जलेगी ये बताते हुए कहा कि इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा और झूठे मुकदमे लिखे जाते रहेंगे तो जनता को निराश करोगे तो समाजवादी पार्टी के लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे तो लंका जलेगी ही नहीं। इसलिए अच्छी सरकार मैंने तो कभी कहा नहीं, आप विधानसभा में हमारा भाषण सुन लेना, मैंने सुझाव दिए थे और कहा था मुख्यमंत्री जी आपके नौकरशाही कब्जे में नहीं है, भ्रष्टाचार तहसीलों में है, थानों में है, सरकारी कार्यालय में है, तो ये क्या था। तो मैंने ये कहा है कि देखिए हम भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं, भगवान कृष्ण के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं और फिर हम मोमबत्ती लेके नहीं चलेंगे, फिर तो लंका जलेगी, समाजवादी सब एक होकर के निकलेंगे, फिर तो लंका जलेगी। लंका क्यों जले सकती ये समझिए, आप तो समझदार हैं। अगर इसी तरीके से उत्पीड़न चलेगा, झूठे मुकदमे लिखे जाएंगे, जनता को निराश करोगे तो फिर समाजवादी पार्टी वाले लोग चुप नहीं बैठेंगे, उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे।